हेलो दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं और वो बात है कि बच्चों में नाक में बाहरी वस्तु का डालना, जिसको फॉरेन बॉडी भी हम बोल सकते हैं। बच्चों की टेंडेंसी रहती है कि हाथ में कुछ चीज़ आती है या मुंह में, नाक में या कान में डालते हैं, तो ऐसे बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने कोई भी चीज़ पकड़ के नाक में डाल दी हो। हम अगर अपनी हिस्ट्री देखें या हम अपनी प्रैक्टिस का पीछे का डाटा देखें तो हमें ये पता चलेगा कि गिनी चुनी 5-6 चीज़ें हैं जो हम कॉमनली देखते हैं बच्चों की जो नाक में डाल लेते हैं। उनमें से सबसे पहले होता है रबर इरेजर, जो अब बच्चे यूज़ ना करते हैं, पेंसिल का रबर। और कई बार पेंसिल के पीछे रबर जो लगा होता है वो बच्चे नाक में पेंसिल डालते हैं और वो टूट के उसके अंदर रह जाता है। और कॉमन फॉरेन बॉडीज़ होती हैं नट्स, जैसे बच्चे कुछ चने खा रहे हैं या बच्चे पीनट्स खा रहे हैं या मूंगफली का दाना खा रहे हैं, वो कई बार नाक में डालते हैं। और चीज़ें होती हैं कई प्लास्टिक या पेपर नाक में डाल देते हैं, या सिल्वर फॉइल्स का कुछ पीस डालते हैं, या कुछ ये प्लास्टिक का कोई वस्तु डालते हैं नाक में, ये भी हम देखते हैं। कुछ बच्चे बीड्स डाल लेते हैं जो उनको इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे माला के बीड्स होते हैं या कंगन के बीड्स होते हैं, अगर वो खिलौने की तरह कहीं यूज़ कर रहे हो तो वो भी हम देखते हैं नाक में डालते हैं। इन सब में से एक और बड़ी डेंजरस चीज़ जो हम देखते हैं वो है सेल, बटन सेल। बच्चों को बटन सेल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है और काफ़ी मेरी बच्चों को हमने देखा है नाक में बटन सेल डाले हुए, और वो सबसे आउट ऑफ ऑल फॉरेन बॉडीज, सारी इन वस्तुओं में से सबसे डेंजरस या सबसे ख़तरनाक है वो ये बटन सेल होता है। अब हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो बताते नहीं हैं, और पेरेंट्स अगर अलर्ट हों तो वो ये बात डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का नाक बंद है। एक तरफ का नाक बंद होना जो है वो हमें पॉइंट करता है कि शायद बच्चे के नाक में कुछ है। दोनों तरफ के नाक बंद हों तो शायद कुछ जुकाम हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर एक तरफ का नाक कंसिस्टेंटली बंद है और बच्चे का सुबह शाम रात ऑल टाइम अगर नाक बंद रहता है तो पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए कि इसमें हो सकता है इसने कुछ डाला हो। कई बार फॉरेन बॉडी अगर शुरू में डाली हुई फॉरेन बॉडी तो दिख भी जाती है, अगर टॉर्च मारे पेरेंट्स या घर में वाले जो उनका केयर टेकर्स हैं, अगर बच्चों के नाक में टॉर्च मारे तो हो सकता है शुरू के दिनों में वो दिख भी जाए। लेकिन अगर वो पुरानी हो जाए, ताकि जैसे कि 10-15 दिन हो चुके डाले हुए और अनडिटेक्टेड है, किसी ने ना बच्चे ने बताया ना माँ बाप को पता चला, ऐसी हालत में बच्चों में जो हम प्रेजेंटेशन देखते हैं वो है डिस्चार्ज, जिसमें कि पस डिस्चार्ज, ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ा थोड़ा पस डिस्चार्ज एक तरफ से आ सकता है और स्मेल हो सकती है। इन बच्चों में आप अगर पास जाएं आप तो इनके नाक के पास बहुत स्मेल हो सकती है, इनको डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ पदार्थ नाक से लिक्विड या कुछ पानी जैसा या पस जैसा कुछ लिक्विड निकलता है, नाक बंद तो है ही, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। इन बच्चों में अगर इस तरह की एक तरफ की सिम्टम हो वो फॉरेन बॉडी का बहुत ज़्यादा हाई चांस रहता है। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।